शासकीय कर्मचारियों की मौज ही मौज। जम्बन होता है तब खोलते हैं उपस्वास्थ्य केंद्र, जहां स्टाफ मिला ड्यूटी से नदारद। 11:30 बजे दो महिला कर्मचारी ने खोला अस्पताल का ताला, बिना बताए अनुपस्थित रहने का कारण पूछे जाने पर बताया तबीयत खराब है। मामला गुना जिले के उपस्वास्थ्य केंद्र पूरा पोसर का है, जहां स्टाफ ड्यूटी ने नदारद पाया गया। आपको बता दें कि हमें काफी समय से स्थानीय लोगों द्वारा शिकायतें प्राप्त हो रही थी, जहां मंगलवार को जब हमारे ब्यूरो चीफ उमेश राठौड़ द्वारा मौके पर जाकर देखा तो 11:30 बजे स्टाफ की विधि राठौड़ अपनी एक महिला कर्मचारियों के साथ अस्पताल का ताला खोला गया। उनसे लेट आने का कारण पूछा गया तो बोले कि सर आज हम लेट हो गए हैं। गुना जिले के ग्रामपुरा पोसार में विगत मंगलवार को उपस्वास्थ्य केंद्र में कार्यरत विधि राठौड़ से स्टाफ के अन्य कर्मचारियों के अनुपस्थित होने का कारण पूछा गया तो उन्होंने बताया कि सर वे आज लेट हो गए हैं। अनुपस्थित संजय सर से फोन पर बात की गई तो उनसे ड्यूटी पर समय से न आने का कारण पूछा गया तो उन्होंने बताया कि मेरी आज तबीयत खराब है, मैं इसलिए नहीं आ पाया। इसकी जानकारी अपने वरिष्ठ अधिकारियों को देने के सवाल पूछे जाने के जवाब में उन्होंने बताया कि वह स्टाफ की विधि राठौड़ को बताकर आए हैं। जब विधि राठौड़ से संबंध में बात की गई तो उन्होंने बताया कि मुझे इस तरह की कोई सूचना प्राप्त नहीं हुई है। फिलहाल इस पूरे मामले की जानकारी CMHO को दी गई है। अब देखना यह है इन मनचले अंदाज में नौकरी करने वाले शासकीय कर्मचारियों पर क्या ठोस कार्रवाई की जाएगी। नहीं मैडम, इसका मैं कोई इशू नहीं है और इस बात से हमें कोई परेशानी भी नहीं है कि इनके फैमिली में कोई मेंबर है जिससे मैं काम कराती हूँ, तो उससे से इशू है और मैंने इन लोगों को काम पे नहीं लगाया। नहीं मैडम, इनकी शिकायत शिकायत किसी ने नहीं की। हम दूसरी कवरेज पे जा रहे थे और हमने देखा कि ताला आपने सामने खोला। शिकायत किसी ने नहीं की। हम यहाँ से निकल रहे थे, दूसरी कवरेज पे जा रहे थे, आपने हमारे सामने ताला खोला। आपका नंबर दे दीजिए, मैं क्या एक्चुअली मैं अननोन नंबर उठाता नहीं हूँ, बहुत कम लगा रहे हैं। नहीं नहीं जी मैम, आपका फोन नाम? सर मेरा नाम विधि है और मैं एज अ कम्युनिटी हेल्प ऑफिसर वर्क करती हूं। जी तो मैडम, ये संजय सर ने अभी हमारी उनसे बात हुई है तो उन्होंने ये बताया कि आपको ये बोलकर गए हैं कि उनका स्वास्थ्य गड़बड़ है और वो लेट आएंगे, तो बताया है क्या आपको? सर एक्चुअली ऐसा होता है कि थोड़ा आने में लेट भी हो जाते हैं, कभी जल्दी भी आ जाते हैं, तो रोज़ रोज़ इन्फॉर्म करना पॉसिबल नहीं होता है, बट ऐसा है कि वो अभी तो मुझे इन्फॉर्म नहीं कर पाए थे कि वो लेट आएंगे। तो मैडम डेली क्या 11:30 के बाद ही आते हैं क्या? नहीं सर डेली नहीं आते, कभी कभी हो जाता है। जल्दी आप बोल रहे हैं जल्दी भी आ जाते हैं, तो जल्दी क्या जैसे 10 का समय है तो क्या 9 भी आ जाते हैं क्या सुबह? सर जल्दी मतलब ये है कि 10 से 11 के इंटरवल में आते हैं और उससे पहले कभी 10 पे जाते हैं, कभी 10:30 पे जाते हैं, ऐसा नहीं। समय तो 11:00 बजे का है ना इसका खुलने का। मैडम फिलहाल इसकी इन्फॉर्मेशन आपके पास नहीं है कि वो मतलब लेट आएंगे? सर फिलहाल आज की इन्फॉर्मेशन नहीं है कि वो लेट आएंगे, अदरवाइज वो हर बात बता देते हैं। चलिए ओके ओके ओके। क्यों ये पूरा सर पे जो उपस्वास्थ्य केंद्र है इसमें अभी हमने देखा कि मैडम और डॉक्टर अभी आए 12:45 पे, ठीक है, हमारे सामने ताला खोला, तुम्हारे सामने ही खोला है ना, और ये तो आप भी देख रहे थे ना? बिल्कुल बिल्कुल, आप बात तो कर रहे थे। हाँ तो कब कब खुलता है ये जी? हमेशा लेट खुलता है ना? कभी कभी हो जाता है, कभी कभी लेट हो जाता है, ठीक है। और बंद कितनी बजे होता है ये? कभी 4:30 के बाद पहले हो जाता है, कभी 4:00 बजे, कभी पहले ही हो जाता है। मतलब जब इच्छा हो जब बंद कर देते हैं, मतलब जो नेम है ना उससे थोड़े आगे पीछे हो जाता है। अच्छा, और क्या क्या व्यवस्थाएं क्या है यहाँ पे? सब व्यवस्थाएं बढ़िया हैं? सब व्यवस्था तो है, कभी गोली दे देते हैं, कभी और कभी दवाई है, कभी नहीं भी है। बोतल नहीं लगाएं? बोतल नहीं लगाएं। नहीं, इलाज में कोई दिक्कत आ रही है क्या आपको? नहीं अबे तो हाल फिलहाल तो नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन पहले एक मैडम थी वो सही दवाई देती थी, वो सही देती थी। इनका मतलब इलाज सही नहीं है? वो ठीक है पर जैनता ने बहुत कम मांगा अंदर। क्या नाम है तुम्हारा? मेरा नाम धर्मेंद्र बाल। देखते रहिए KNN कड़वाहट न्यूज नेटवर्क। गुना से उमेश राठौड़ की एक खास रिपोर्ट।